इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। किसानों के बवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस पर हमला करने और सड़कों पर बवाल करने के मामले में 22 एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें ईस्ट दिल्ली, द्वारका और पश्चिमी दिल्ली में तीन तीन एफआईआर दर्ज हुई है, दो आउटर नॉर्थ और एक शाहदरा और साथ ही एक नॉर्थ जिले में दर्ज हुई है एफआईआर, जिनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। कल हुए किसानों के उपद्रव में 153 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिसमें दो पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। तो अभी तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं अलग अलग जगहों पर। एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जिस तरीके से कल दिल्ली की सड़कों पर तांडव हुआ है, जिस तरीके का उपद्रव हुआ, जिस तरीके की हिंसा हुई, उसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। इस सबके बीच जो संख्या मिल रही है फिलहाल, उसके मुताबिक 153 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। तो दिल्ली में अभी तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इसमें और भी इजाफा हो सकता है। और इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो है 22 एफआईआर दर्ज कर दी है और साथ साथ ही पता लगाया जा रहा है कि कितनी संपत्तियां और कहां कहां पर तोड़ी गई हैं और किस तरह से जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो चश्मदीद थे हर उस वारदात के, जहां जहां पर ये पूरा उग्र भीड़ ने हमला किया था। उसके साथ ही यहां पर जिस तरह से पुलिस का कहना है कि अभी कुछ और एफआईआर हो सकती है, क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है कहां कहां पर किस तरह से हुआ था, और साथ ही पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ ने हमला किया था उसके साथ ही उनके हाथों में अलग अलग तरीके के हथियार थे, तो इसको लेकर भी पुलिस संजीदा है। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई और कहीं कहीं पर उस चीज के बारे में पता लगाया जा रहा है कि किसकी पिस्टल छीनी गई है। तो अभी तक क्योंकि पुलिसकर्मी काफी दहशत में हैं और कई लोग जो अस्पताल में अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसको लेकर पुलिसकर्मी जो है उनसे विश्वासपूर्वक पूछा जा रहा है कि वो अपना बयान देंगे और इस तरह से एफआईआर की संख्या बढ़ सकती है। वहीं साथ ही ये साफ तय हो चुका है कि जो सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया था, जिस तरह से बिल्कुल निशाना बनाकर और सुनियोजित तरीके से इस पूरे प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से अब सक्रियता निभा रही है और ये कहा जा रहा है कि कुछ जो एफआईआर होंगी वो आज दिन में और दर्ज की जाएंगी। तो एफआईआर की संख्या और बढ़ सकती है। दीपक जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 22 एफआईआर अभी तक दर्ज। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस